वैसे तो इम्पल्स का मतलब होता है जब भी कोई चीज़ बहुत जल्दी हो जाए उसको हम बोलते हैं इम्पल्स। जैसे किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, बोले इम्पल्सिवली, मतलब एकदम से हाथ उठ गया। तो इम्पल्स का मतलब फिजिक्स में क्या होता है, जब बहुत बड़ी फोर्स काम करती है बहुत स्मॉल टाइम के लिए, तब हम उसके इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इम्पल्स। जैसे कि कोई फुटबॉल को आपने किक मारी, तो आपका जो पाँव होगा वो फुटबॉल के कांटेक्ट में बहुत कम टाइम के लिए रहेगा, लेकिन जो उसका इफेक्ट होगा, फुटबॉल की तो जिंदगी बदल गई, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई। तो इम्पल्स को अगर डिफाइन करते हैं तो इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है, अगर बिल्कुल बच्चों वाला फॉर्मूला लिखूं तो हम लिखेंगे कि एवरेज फोर्स इंटू में टाइम। थोड़ा ढंग से लिखना हो इसको तो लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी, ठीक है? क्योंकि फोर्स जरूरी नहीं है कांस्टेंट रहे, फोर्स चेंज हो सकती है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तब तो आप फॉर्मूला ये लगा सकते हो, अदरवाइज आपको फॉर्मूला लगाना चाहिए ये वाला फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी। अब थोड़ी सी एक चीज देखते हैं हम, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो बोलता है कि फोर्स होती है डीपी बाय डी टी। तो यहां से अगर मैं डीपी की वैल्यू निकालूं तो वह क्या आएगी, एफ डी टी। अब अगर मैं दोनों तरफ कर दूं इंटीग्रेट दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, इस तरफ डीपी का इंटीग्रेशन, इस तरफ इंटीग्रेशन हो जाएगा डीटी का। तो इससे क्या होगा, यहां पे डीपी का इंटीग्रेशन तो आएगा पी, तो मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम हमने मान लिया पी आई, फाइनल मोमेंटम मान लिया पी एफ, टाइम शुरू में मान लिया हमने जीरो, बाद में मान लिया हमने टी, जीरो से टी तक। हाँ, जो इम्पल्स का फॉर्मूला था वहां पे भी टाइम की लिमिट आएगी इंटीग्रेशन में, तो जीरो से टी तक। तो यहाँ पे डीपी का इंटीग्रेशन बना पी लिमिट इनिशियल टू फाइनल मोमेंटम, और यहाँ पे ये क्या बन गया, ये बन गया एफ डी टी और लिमिट जीरो से टी। अब ध्यान से देखोगे तो ये जो चीज है यही तो इम्पल्स है, यही तो इम्पल्स है। और ये जो चीज है इसमें जब रखोगे लिमिट्स को तो क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इससे आप ये बात बोल सकते हो कि जो इम्पल्स होती है, जब भी आपको इम्पल्स निकालनी हो तो आप कैसे निकालते हो, बाय चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम आप निकाल लो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको इम्पल्स मिल जाएगी। तो इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे इसका एक एग्जाम्पल, बिल्कुल सिंपल वाला एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं हम, कि मान लो हमारे पास कोई दीवार है, कोई दीवार है ऐसे, कोई बॉल आई इसके ऊपर, टकराई इससे और फिर उसी स्पीड से वापस रिबाउंड हो गई, बॉल रिबाउंड हो गई विद सेम स्पीड। तो मान लो जो बॉल का मास है सपोज वो होता 100 ग्राम, और उसकी जो वेलोसिटी थी मान लो वो होती 60 मीटर पर सेकेंड। अब जो टाइम है कोलिजन का विद वॉल, टाइम विद वॉल, वॉल के साथ जो उसका टाइम है, वो टाइम कितना रहा होगा, टाइम बहुत कम रहा होगा, तो हमने मान लिया 0.01 सेकेंड, इतने टाइम के लिए बॉल कांटेक्ट में थी वॉल के साथ में, टाइम विद वॉल एंड बॉल। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या हुआ है, एक तो उसने पूछा हुआ है इम्पल्स कितना होगा और एक पूछा हुआ है कि फोर्स कितनी लगेगी वॉल के ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं निकाल लेता हूं चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, बॉल का मास है तो केजी में वो कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितनी है उसकी 60, टक्कर के बाद भी 60 है, माइनस इनिशियल मोमेंटम तो वो है 0.1 और स्पीड कितनी थी 60, तो ये तो मोमेंटम का चेंज जीरो आ गया। तो फिर अगर मैं फोर्स निकालूंगा तो फोर्स भी जीरो आनी चाहिए। तो क्या ये लॉजिकल लगता है आपको, मतलब मान लो आपके सिर पे कोई बॉल आकर के लगे जोर से और उसी स्पीड से पलट जाए, तो क्या आपके सिर पे चोट नहीं लगेगी, लगेगी, तो फोर्स तो लगनी चाहिए थी। तो मैंने कहाँ गलती करी है, मैंने गलती करी है कि ये वेक्टर नहीं लिया मैंने इसको, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर होता है तो वेक्टर में लेना पड़ेगा, वेक्टर में लोगे तो क्या होगा, आपको उसका डायरेक्शन भी लेना पड़ेगा। तो जब डायरेक्शन रखोगे तब फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, वो आएगा माइनस का, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है, फाइनल वेलोसिटी उसके इस तरफ है 60, तो
तो इसलिए डायरेक्शन क्या होता है, ये माइनस का आई कैप, चाहो तो यहां पे माइनस आई कैप लगा दो, और इनिशियल वेलोसिटी वो थी आई कैप डायरेक्शन में, तो इसीलिए मोमेंटम का चेंज जीरो नहीं होगा, वो कितना हो जाएगा, सिक्स और सिक्स तो ट्वेल्व, तो मोमेंटम का चेंज कितना हो जाएगा, मोमेंटम का चेंज ही निकाल रहा हूं बस मैं अब, तो मोमेंटम का चेंज वो कितना हो गया, वो हो गया माइनस सिक्स माइनस सिक्स माइनस ट्वेल्व आई कैप, ये मोमेंटम का चेंज आ गया हमारे पास। तो यही क्या है, इंपल्स, तो इंपल्स की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 12। यूनिट लगा सकते हो, फोर्स इंटू टाइम वाला लगाओगे तो न्यूटन इंटू सेकेंड लगा सकते हो, तो ये तो आ गई इंपल्स। जो दूसरा पार्ट था इसका, उसमें इसने फोर्स पूछी हुई थी, तो फोर्स को निकालने के अब दो तरीके हैं हमारे पास, या तो मैं फॉर्मूला लगा दूं यही वाला कि फोर्स क्या होती है, मोमेंटम का चेंज अपॉन टाइम, तो या तो मैं फोर्स यहां से निकाल सकता हूं, या तो मैं बोलूं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोमेंटम का चेंज विद टाइम, मोमेंटम का जो चेंज है वो है 12 आई कैप, और टाइम लगा हुआ है, वो लगा हुआ है 0.01 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा, तो माइनस 1200 न्यूटन, डायरेक्शन में बता दिया उसने, तो इतनी फोर्स लगी उसके ऊपर। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका थोड़ा सा अगर एक बेटर क्वेश्चन को करना हो थोड़ा सा, तो हम कैसे कर सकते हैं, तो हम ऐसे ले लेंगे कि मान लो कोई वॉल यू थी इस तरह से, तो यहां पे कोई बॉल आई, वो उसकी वेलोसिटी यू थी इस तरह से, और इससे टकराई और फिर उसके बाद उसी स्पीड से वापस चली गई। बॉल का मास फिर से वही ले लो 100 ग्राम, बॉल की स्पीड वही ले लो फिर से 60 मीटर पर सेकेंड, उसी स्पीड से वो वापस लौट गई। तो यहां पे भी आपसे ये पूछा हुआ है कि बताओ इंपल्स कितना होगा, तो इसके लिए आपको एक चीज और दे रखी है, मान लो आपको एंगल दे रखा है 30 डिग्री का, तो अगर ये एंगल 30 का होगा तो ये एंगल भी 30 का होगा और ये एंगल भी 30 का होगा इस तरह से, बिकॉज ऑफ सिमेट्री। तो अब यहां पे हमको जब मोमेंटम निकालना होगा, तो इनिशियल मोमेंटम जब हम निकालेंगे तो हमको वेक्टर में निकालना पड़ेगा। वेक्टर में कैसे निकालेंगे, मोमेंटम होता है एम इंटू में वेलोसिटी वेक्टर, तो स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी इस तरह से है, उसकी वैल्यू कितनी है 60, तो आप कंपोनेंट करोगे उसके, तो ये आएगा 60 cos 30 और ये वाला आएगा 60 sin 30। तो जब इसको वेक्टर में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, मास तो हो गया 0.1 और वेलोसिटी कितनी आई, cos 30 होता है √3/2, तो √3/2 इसको रखोगे तो ये आएगा 30√3, तो 30√3 आई कैप वेलोसिटी, और साइन 30 होता है हाफ, तो ये आएगी माइनस जे कैप में, तो माइनस 30 j कैप, ये इसका इनिशियल मोमेंटम आया, मैंने वेलोसिटी को वेक्टर में लिया है। सेम ऐसे आपको फाइनल मोमेंटम को भी वेक्टर में लेना पड़ेगा, फाइनल वेलोसिटी उसका डायरेक्शन वो यू है, तो जब आप कंपोनेंट करोगे तो फिर से ये एंगल 30 का है, कंपोनेंट करोगे तो ये कितना आएगा 60 cos 30, ये आएगा 60 sin 30, तो ये फिर से 30 और ये वाली हो जाएगी, ये हो जाएगी 30√2। तो अगर फाइनल मोमेंटम निकालूंगा तो मुझे चाहिए फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो फाइनल वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू कैसे आएगी, 30√2, डायरेक्शन क्या होगा, माइनस आई कैप का, क्योंकि वो डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये डायरेक्शन माइनस आई कैप का होता है, और दूसरी वेलोसिटी वो है माइनस जे कैप में, तो माइनस 30 j कैप। तो यहां से आप फाइनल मोमेंटम निकाल सकते हो, तो फाइनल मोमेंटम की वैल्यू कितनी आएगी, मास तो 0.1 और वेलोसिटी कितनी है उसकी, तो माइनस 30√2 आई कैप √3 आई कैप, और यहां पे आएगा माइनस का 30 j कैप। तो ये आपने मोमेंटम को निकाल लिया वेक्टर में। तो अब आपको चाहिए इंपल्स, तो इंपल्स होती है चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो मोमेंटम का चेंज निकालोगे तो फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, 0.1 को मल्टीप्लाई कर दो तो फाइनल मोमेंटम आएगा माइनस 3√3 आई कैप माइनस 3 j कैप। ये तो फाइनल मोमेंटम है, माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या आता, तो वो आता 3√3 आई कैप
माइनस 30 जे कैप। तो इससे क्या होता है, जब मैं इसको माइनस साइन को मतलब मैं ब्रैकेट को जब खोल दूंगा तो क्या होगा, जब ब्रैकेट को खोलूंगा तो ब्रैकेट को खोलते ही ये माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का। तो ये 30 जे कैप, ये सॉरी 3 जे कैप आएगा यहाँ पे, 3 जे कैप और ये माइनस 3 जे कैप कट जाएगा और कितना आ जाएगा, माइनस 6√3 आई कैप। तो ये आपका चेंज ऑफ मोमेंटम आया, तो यही आपकी इम्पल्स आएगी। तो इम्पल्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इम्पल्स की वैल्यू आ गई आपके पास में 6√3 और यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू सेकेंड। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं इम्पल्स के ऊपर।